Hello, everyone, and welcome to this special episode of the Socially Desi Show. We are proud to be the podcast partners for the Indian Vehicle Awards 2022. The first edition of IVA 2022 has been announced with an aim to appreciate manufacturers for making 2021 a year better for the Indian consumers in the automobile segment. The versatility of the Indian Vehicle Awards—it's the unique group of jury members. IVA 2022 is a group of leading automobile experts. Automobile journalists and automobile influencers as well. For my guest today, I have Mr. Khalid, who is a senior journalist with Navbharat Times newspaper, which is a leading daily for the Times of India group. He has been writing on automobiles for more than 12 years now. He has also started a weekly podcast, Kam Auto Bulletin, for NavbharatGold.com, which is a premium website of Navbharat Times. Hello, Khalid, sir. Welcome to the show. Hello, Anurag. How are you? ग्रेट काली सर थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द शो एंड काली सर आज के एपिसोड में हम आई के बारे में बात करने वाले हैं एंड उन 16 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन पे अवार्ड्स दिए गए हैं पर शुरुआत करते हैं थोड़ा बहुत ये जानकर कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट बनने की एंड इस इस स्पेस को एक्सप्लोर करने की ऑटोमोबिल uh, जर्नलिज्म मैंने uh, हिंदी में जब शुरू किया था टू और टेन में उस वक्त जो रीजनल लैंग्वेजेस में इस ये कोई बीट नहीं थी ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म का ऐसा कोई एक आ, आ, सिस्टम था नहीं तो जब मैंने शुरू किया मैंने आइडिया दिया तो लोगों को थोड़ा शॉकिंग भी लगा लेकिन आ, जब करना शुरू किया तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया क्योंकि लोग मुझे लगता है कि अपनी जो भाषा है उसमें वो किसी चीज़ को पढ़ना या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो सडन क्लिक एकदम हो गया था और उसके बाद तो फिर ये मतलब एकदम पॉपुलर हो गया और अभी तो खैर वीडियो का जमाना है तो वीडियो में तो लोग काफी कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस में जी जी एंड खाली सर जो बाकी ज्यूरी मेंबर्स हैं उनके यू नो डिफरेंस में uh, आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है अभी तक आपने वीडियो की तरफ अभी uh, शुरुआत नहीं की है तो क्या प्लान्स हैं आपके वीडियो की तरफ जाने के या फिर वर्ड इज एंजॉय देखिए एक आ, हर चीज का एक अलग आ, है जी तो, आ, वीडियो तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं कर सकता लेकिन अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मतलब में हूँ उसमें हम लोग मेरे पास वीडियो का सेक्शन नहीं है हालांकि हम लोग वीडियो बनाते हैं वो एक डिफरेंट टीम है जो करती है तो आ, जो नया शुरू किया है हमने वो पॉडकास्ट शुरू किया है तो हम मतलब आपने वीडियो रिव्यूज तो बहुत सुने होंगे हम लोग ऑडियो रिव्यूज करना शुरू कर दिए ये एक डिफरेंट चीज है जो कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं डिजिटल में प्रिंट के साथ तो खालिद सर ये बताइए कि जनरली कार्स और जो कार्स के रिव्यू होते हैं या जो भी हम फर्स्ट ड्राइव्स देखते हैं वो एक बहुत विजुअल इवेंट होता है तो उसको आप लोगों ने हाउ डिड यू कन्वर्ट इट इंटू अ पॉडकास्ट दैट इज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो कि ऑडियो में वो सेम एक्सपीरियंस लाने के लिए आप लोगों को किस तरीके के चैलेंजेस हुए या क्या अप्रोच आप लोगों की थी इस पूरे एक्सपीरियंस को ऑडियो में लाने के लिए ऑडियो रिव्यूज को हम एक uh, मतलब ये एकदम एक शुरुआती दौर है इसका अभी हम लोग फीडबैक देख रहे हैं किस तरीके का आएगा ऑडियो uh रिव्यू -huh. को हम अभी ना एक इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं हम ये मान के चलते हैं कि लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर है अगर कोई नई कार आई है तो उसके सारे वीडियोस लोगों के पास पहुंच चुके हैं वो देख चुके हैं तो हम उसको एक अलग अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपने पॉडकास्ट में और इसके अलावा वहां पर एक ऑप्शन होता है कि आप उसकी जब आप ऑडियो सुन रहे हैं तो अगर आप चाहें तो आप उसकी फोटोज आपके सामने आ सकती हैं यानी उसका टेक्स्ट मैटर भी आपके सामने रहता है फोटोज भी रहती हैं आने वाले टाइम में हम लोग उसको ये भी आ, कोशिश कर रहे हैं कि आप उसका वीडियो भी देख सकें उसी प्लेटफॉर्म पे जी तो जी एक नई चीज है जो अभी शुरुआती दौर में है जिसको अभी मतलब एक कंप्लीट हम कह नहीं सकते कि अभी ये किस दिशा में जाएगी जी जी नहीं बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जहाँ पे आप ऑडियो एक एक ऑडियो विजुअल जो बहुत ज्यादा विजुअली वी uh, सेगमेंट uh, है उसको एक ऑडियो एक्सपीरियंस देना आई थिंक दैट विल्ड कमिंग बैक टू दी मेन टॉपिक टूडेद इंडियन वहीकल अवार्डी टू पहले मुझे ये बताइए की अभी मार्केट में अगर आप देखें इंडस्ट्री में अगर आप देखें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमोटिव uh, लैंडस्केप में अलग अलग तरीके के अवॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट कर रही हैं तो what makes iva 2022 different from the others iva 2022 जो है ये आ, मतलब काफी different है इस वे में कि एक तो ये आ, मतलब अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्यों डिफरेंट हैं जी जो तो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें मतलब हमने जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा लोग बिल्कुल डिफरेंट फील्ड के थे मतलब एक ऑटोमोबाइल uh, जर्नलिज्म से हैं एक ऑटो एक्सपर्ट हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर्स uh, भी हैं यूट्यूबर भी हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, प्लेटफॉर्म के लोग थे और उन लोगों को किसी एक चीज़ पे uh, मतलब uh, एक राय बनानी थी जी ये एक बहुत uh, मतलब यूनिक सा आइडिया था क्योंकि आप uh, मतलब चार बिल्कुल डिफरेंट मेंटेलिटी के लोगों को बैठा दें और वो किसी एक चीज को अगर uh, उसको मान लेते हैं कि ये अच्छा है तो वो जी लगता है कि वो सबसे यूनिक चीज हो जाएगी कि हाँ ये तो ही है इसका मतलब जी ये बिल्कुल ही डिफरेंट है मतलब इसकी ज्यूरी जो है बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही है और वो साथ बैठ के किसी एक चीज पे एक मत हो रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट था इसमें बहुत ही डिफरेंट था ई थिंक uh, जब अलग अलग फील्ड है जैसे हमने स्टार्टिंग में बात भी की ऑटोमोबल एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स सब लोग मिलकर जब एक जूरी फॉर्म करते हैं आई थिंक वहां पर बायसनेस भी बिल्कुल एंड हो जाती है बिल्कुल एक अनबायस्ड वे में आप अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं और सिक्सटीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट कार्स को जज करना एंड उनके ऊपर uh, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा ज्यूरी के लिए भी आ, कि ये समझना कि कौन सी कार को विनर ठहराया जाए तो किस तरीके का प्रेशर था हमारे ऊपर प्रेशर था आ, सबसे बड़ा प्रेशर था हमारे ऊपर कि हम अपना काम ईमानदारी से करें जी इस अवार की अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी तरीके का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था हम्म तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी अवार्ड्स के लिए और प्रेशर हमारे पास सिर्फ यही था कि हम जो अवार्ड किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने रीडर्स व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं तो हम उनके प्रति ईमानदार रहें जी यही एक दबाव था और इसकी वजह यही थी कि हम सब ने कोशिश की हमने खूब बहस की आपस में खूब डिस्कशंस किए और एक फाइनल डिसीजन सबने मिल के लिया मुझे नहीं लगता शायद किसी भी अवार्ड में ऐसा हुआ हो कि हम लोग के एंड रिजल्ट के टाइम पे हम लोग की ओपिनियंस बटी भी रही हो काफी डिस्कस किया और एंड में आके एक चीज को चूज किया नहीं डेफिनेटली आई थिंक जिस तरीके से अवार्ड सेलेक्ट किए गए हैं जो कैटेगरी सेलेक्ट की गई हैं बहुत थॉट थ्रू कैटेगरीज हैं एंड जूरी मेंबर्स जो हमने इनिशियली भी बात की कि अलग अलग फील्ड से आई हुई है तो सबके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं और विनर सेलेक्ट करना उतना ही ज्यादा क्रूशल हो जाता है जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो एंड यूजर है जो एंड कस्टमर है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है कार बाइंग एंड uh, अगर इस तरीके के अवार्ड्स या रिव्यूज जब कोई कस्टमर देखता है तो बहुत हैविली इन्फ्लुएंस होता है वो कि उसकी नेक्स्ट कार क्या होनी चाहिए स्पेशली अब 2022 की स्टार्टिंग में जहां पे बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि इस साल एक नई गाड़ी ली जाए तो उनके लिए आई थिंक ये जो अवार्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखेंगे बिकॉज उनको कही कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी वो जिस भी सेगमेंट में गाड़ी देखना चाह रहे हैं जिस कैटेगरी की गाड़ी देखना चाह रहे हैं जितना मनी स्पेंड करना चाह रहे हैं आई थिंक सब लोगों आ, के लिए ये वीडियोज जो आने वाली हैं अलग अलग चैनल्स पे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उनका डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी बिल्कुल ये आपने बात बिल्कुल सही की है कि अवार्ड्स जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज है कि हम लोगों ने जो अवार्ड सेलेक्ट किए हैं जिस गाड़ी को अवार्ड दिया है सभी जियो मेम्बर्स ने उसका आ, कारण भी बताया जी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि आपने ये सेलेक्ट किया है और क्यों सेलेक्ट किया है आपने उसका मेन रीज़न भी बताया है इससे मुझे लगता है कि जो भी देखने वाला व्यूअर्स है या फिर जो भी इसको देखेंगे उनको ज़्यादा हेल्प होगी कंपेरेटिवली अदर अवार्ड्स के मुकाबले यानी कि आपने एक अवार्ड दिया और आपने दूसरी तरफ आपने एक अवार्ड दिया है और आप ये भी बता रहे हैं कि आपने क्यों दिया है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एग्जैक्टली exactly. और जब आपको ये सारी के सारे रीजनस आपको जब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है जनरली हमने देखा है अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि लोग जब कोई नई गाड़ी निकलती है तो उसके हर तरीके के वीडियोस देख लेते हैं और उसी एक्सपीरियंस को अब आप पॉडकास्ट में भी लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे जब आपको आपके फेवरेट यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स जर्नलिस्ट एक्सपर्ट इन सबकी राय जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी तो आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट रिसर्च इज समथिंग दैट आई ऑलवेज एडवाइस लेकिन आ, एक एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ज्यादा मिल जाता है जब आपको इतने सारे एक्सपर्ट्स दिख रहे हैं एक ही मंच पे और वो अपने आ, अलग अलग कैटेगरीज में कार सेलेक्ट कर रहे हैं आ, खालिद सर एक और जो मेरा क्वेश्चन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड यू बीइंग पार्ट ऑफ द ज्यूरी एंड पार्ट ऑफ आईवीए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है आईवीए uh, का बिकॉज ये फर्स्ट एडिशन है एंड आई एम श्योर यू नो दिस विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी समथिंग बिगर इन द फ्यूचर तो किस तरीके का इम्पैक्ट हैज आई पुट ऑन यू एज एन ऑटोमोबिल जर्नलिस्ट नहीं इसका इम्पेक्ट काफ़ी रहा है इसका रीज़न ये है कि कोई भी अवार्ड के शुरुआत में अगर आप उससे जुड़ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये अवार्ड में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभरने वाला है और इसके पहले अवार्ड के साथ अगर आप जुड़ गए हैं ज्यूरी तो ये अपने आप में एक मतलब एक गर्व करने वाली फीलिंग भी है और दूसरा रीज़न ये भी है कि इसकी ज्यूरी के जो अदर मेम्बर्स हैं वो मतलब वो अपने अपनी फील्ड के ना सिर्फ एक्सपर्ट हैं बल्कि वो सारे लोग बहुत अच्छे इंसान भी हैं जी कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं तो हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनका एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत बड़ा चीज़ होती है ये एक इमोशनल फैक्टर भी रहता है और आप कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं आप अपनी बात खुल के बोल पाते हैं तो कि आपको पता है कि सामने वाला आपको समझ सकता है तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब मजेदार भी थी और इन सब का काफी रहा। नहीं डेफिनेटली और यही जो मेरे एक, एक एपिसोड में आशीष सर के साथ भी यही डिस्कशन हो रहा था कि जब आप ऑथेंटिक वे में आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं अवार्ड्स प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस जो होती है अवार्ड्स की भी और आपकी एज ए ज्यूरी मेंबर वो भी इंक्रीज हो जाती है एंड दैट क्रिएट्स अ डीपर कनेक्ट विथ यू एंड ऑडियंस फ्यूचर तो आई थिंक हमें सुन रहे हैं, आज, uh, जितने भी अवार्ड है उनके लिंक्स हम लोग शो नोट्स में डाल देंगे आप लोग डेफिनेटली जाइए उन अवार्ड्स को देखिए सोलह डिफरेंट अवॉर्ड्स हैं जो प्रेजेंट किए गए हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे ये अवार्ड आपको मिलेंगे तो आप लोग जाइए सारे अवार्ड देखिए एंड डेफिनेटली खालिद सर का जो पॉडकास्ट है उसकी डिटेल्स भी हम लोग नीचे लिंक्स पे डाल देंगे आप लोग उनके पॉडकास्ट को भी जाइए और अगर आप लोगों को पसंद है ऑडियो फॉर्मेट में में अपनी फेवरेट कार्स रिव्यूज के बारे सुनना तो दैट पॉडकास्ट इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड गो एंड डाउनलोड दैट पॉडकास्ट एज वेल खालिद सर विद दैट थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द शो टूडे यू हैव बीन एन एबसलूट प्लेजर टू स्पीक विद एंड आई होप टू हैव यू ऑन द शो अगेन इन द फ्यूचर थैंक यू वेरी मच अनुराग थैंक यू So that wraps it up for today, folks. If you liked the episode, give it a big thumbs up, share it with your friends, and let's go viral. Remember, our weekly podcast features episodes on personal growth, mental health, relationships, business and entrepreneurship, and health and fitness. We would love to have Khalid sir on the show again in the future to talk more about journalism and automotive landscape in India. So if you haven't yet done so, hit that subscribe button and go check out our website at sociallydesi.com. And as always, before I sign off, remember, Life is black and white and everything in between.